आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं बहुत ही स्पेशल प्रोडक्ट की। ये है BenQ का वायरलेस प्रोजेक्टर। इसका मॉडल नंबर है GS50। अब आप इसका बॉक्स देख रहे होंगे, आपको आइडिया हो गया होगा कि ये पोर्टेबल प्रोजेक्टर है, यानी कि आप इसको इजीली कहीं पर भी बाहर ले जाकर, जैसे कि आप किसी ट्रिप पे जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको वहां पर बाहर आउटडोर में मूवीज देखनी है या कुछ वीडियोज देखनी है, तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। टीवी का ये रिप्लेसमेंट नहीं है, बिकॉज टीवी की जो क्वालिटी होती है, पिक्चर क्वालिटी, वो थोड़ी ज्यादा क्रिस्प होती है, लेकिन टीवी के लिए बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है ये, क्योंकि इसमें आपको पोर्टेबिलिटी फैक्टर मिल जाएगा, कहीं पर भी जाकर आप वीडियोस इसमें देख सकते हैं। अब ये एक फुल HD वीडियो पिक्चर जो है क्रिएट करता है, यानी कि 1080p रेजोल्यूशन आपको मिलेगा। बिल्ट इन यहाँ पे आपको बेस इनेबल्ड स्पीकर्स मिलेंगे, यानी कि ऑडियो की भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, ब्लूटूथ भी है इसमें, आप कुछ और स्पीकर वगैरह भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये रन करता है एंड्रॉयड टीवी पे, एंड्रॉइड टीवी प्लेटफॉर्म पे। इसके अंदर आपको बहुत सारी OTT एप्लीकेशंस मिलेंगी, Amazon Prime, YouTube, और साथ ही साथ यहां पर आपको एक रिमोट कंट्रोलर भी मिलेगा, जिससे आप एक नॉर्मल टीवी की तरह इसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, बहुत सारी एक्सेसरीज बॉक्स में दी गई है, एक एक करके सारी एक्सेसरीज को चेक करेंगे और बात करेंगे इसके फीचर्स के बारे में। बॉक्स ओपन करने से पहले मैं एक बार फीचर्स जो बॉक्स पे दिए गए हैं वो एक बार बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको फुल HD रेजोल्यूशन की पिक्चर क्वालिटी मिलने वाली है। 2.1 इंच का आपको बिल्ट इन सिस्टम मिलेगा, ऑडियो सिस्टम। ये वाटर स्प्लैश है, IPX2 यहाँ पे रेटिंग है। USB-C आपको यहाँ पर पोर्ट मिलेगा। इसका जो टिल्ट एंगल है वो 15 डिग्री का टिल्ट एडजस्टमेंट आपको मिल जाएगा, ताकि आप अपने अकॉर्डिंगली पिक्चर को सेट कर सके। ड्रॉप प्रूफ है, यानी कि इसकी जो बॉडी है वो काफी स्टर्डी है। ऑटो फोकस आपको मिल जाएगा, ऑटो कीस्टोन जैसे फीचर मिल जाएंगे, आई प्रोटेक्शन जैसे फीचर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 2.5 घंटे का बैटरी लाइफ कंपनी प्रॉमिस करती है, यानी कि आप एक बार इसको अगर फुल चार्ज करते हैं तो लगभग 2.5 घंटे तक इस पे आप मूवी या वीडियोस को देख सकते हैं। वायरलेस प्रोजेक्शन तो आपको मिलता ही है, साथ में ही आप इससे कोई ब्लूटूथ स्पीकर भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो जल्दी से इसकी आप अनबॉक्सिंग करते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको देखने को मिलेगी एक केस, यानी कि ये एक पूरा बैग के अंदर आपको मिलता है, ताकि आप इसको कहीं भी इजीली उठाकर ले जा सके और जहां पर भी आपको मूवीज कंज्यूम करनी है या कोई भी डेटा ले करना है तो आप इजीली कर पाएंगे। तो यहां पर आपको कुछ गाइड वगैरह मिल जाएगी, इनको आप एक बार ज़रूर रीड कर लीजिए, ताकि आपको इसको इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। वाईफाई से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। 15 डिग्री का आपको टिल्ट एंगल मिल जाएगा और बाकी जो भी डिटेल्स हैं आप इस बुकलेट से सारी डिटेल्स कंज्यूम कर सकते हैं। ये रहा इसका चार्जिंग अडेप्टर, इससे आप इसको चार्ज कर पाएंगे। काफी हैवी अडेप्टर यहाँ पे दिया गया है और जो क्वालिटी है केबल की वो काफी अच्छी है। एक आपको यहाँ पे रिमोट कंट्रोल मिल जाएगा, ताकि आप इजीली इसको कंट्रोल कर सकें। काफी अच्छी क्वालिटी का रिमोट दिया गया है। आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको Amazon Prime मिल जाएगा और वॉइस असिस्टेंट का जो बटन है माइक का, वो भी आपको मिल जाएगा, और होम बटन, एरो की, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई हैं। और बॉक्स के अंदर आपको एक और केबल दी गई है, बेसिकली ये केबल इसके पीछे लगाने के लिए दी गई है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी की एक और केबल आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और बाकी सारी एक्सटेंशन कॉर्ड्स जो हैं वो आपको बॉक्स में मिल जाएगी। यानी कि सेटअप करने के लिए आपको जो भी चाहिए वो कंपनी आपको बॉक्स में दे रही है, आपको बाहर से कुछ भी परचेज नहीं करना। अब ये बहुत कमाल की चीज़ है, ये है BenQ का एंड्रॉयड टीवी स्टिक। जैसे कि गूगल टीवी स्टिक होती है या Amazon की प्राइम टीवी स्टिक होती है, तो ये आपको बॉक्स में मिल जाएगी। इसको आपको इसमें कनेक्ट करना है प्रोजेक्टर में, और आप इजीली फिर जो भी इसका जो इंटरफेस है वो बिल्कुल एक एंड्रॉयड टीवी की तरह रन करेगा। सेल भी बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, तो आप कंट्रोल करने के लिए, रिमोट कंट्रोलर के लिए आपको सेल भी बॉक्स में दिए गए। अब निकालते हैं हमारे प्रोजेक्टर। फ्रंट से कुछ ऐसा आपको ये दिखाई देगा, और यहाँ पे आपको इसका स्पीकर जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसको, ये इसका बेस है, तो आपको इसको ऐसे रखना है यहाँ पे, और आप देखेंगे कि एक स्क्रू के लिए आपको यहाँ पर एक्सटेंशन यहाँ पे दिया हुआ है, ताकि आप इसको टिल्ट एंगल पे भी रख पाएं। बैक साइड पे आपको एक फ्लैप मिलेगा, इसको आप जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे जितने भी कनेक्टिविटी पोर्ट्स हैं वो सारे आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। HDMI, USB-C, ऑडियो आउट और जो बेसिक पोर्ट होता है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको लॉक का बटन भी मिल जाएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फीचर है इसका। सारे कनेक्टिविटी पोर्ट्स आपको जो भी रिक्वायर्ड हैं टू रन अ प्रोजेक्टर वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, और आप देखेंगे कि काफ़ी सील्ड है ये, तो अगर थोड़ा बहुत
कभी कभार छींटे भी लग जाती हैं पानी की, तो कोई इतना डैमेज यहाँ पर नहीं होगा। और IPX2 तो रेटिंग आपको मिलती ही है, तो थोड़ा बहुत वाटर डैमेज को ये रेजिस्ट कर सकता है। बहुत ही प्रीमियम लुकिंग डिजाइन है इसका, फ्रंट से आपको मैं एक बार दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ से जो आपकी लाइट है प्रोजेक्शन के लिए वो यहाँ से निकलेगी और यहाँ से इमेज पूरी क्रिएट करेगा ये प्रोजेक्टर। यहाँ पर आपको कुछ बेसिक बटन दिए गए हैं, पावर ऑन, ब्लूटूथ, ऑडियो का बटन यहाँ पर आपको मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको इसका टिल्ट करने के लिए जो भी एंगल है वो यहाँ पर आपको दिया गया है। इसको आप प्रेस करेंगे तो ये अंदर चला जाएगा, इसको आप बटन को एक बार क्लिक करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, ताकि आपकी जो इमेज है वो प्रॉपर क्रिएट। जल्दी से इसकी भी अनबॉक्सिंग आपको करके दिखा देते हैं। बेसिकली ये एक टीवी स्टिक है जो बेनक्यू साथ में देता है, ताकि आप इसको इजीली रन कर सके एंड्रॉयड टीवी प्लेटफॉर्म पे। अब यहाँ पर आपको कुछ फीचर्स बताता हूँ। 4K अल्ट्रा HD को ये सपोर्ट करता है, लेकिन ये प्रोजेक्टर सिर्फ 1080p की पिक्चर क्रिएट कर पाएगा। 2.4 और 5GHz दोनों वाईफाई से आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे। आप बेसिक प्लग इन HDMI केबल पे ये रन करता है, वॉइस सर्च भी सपोर्ट करता है। इसको ओपन करते हैं, अच्छी बात है कि बॉक्स में मिल रही है, अदरवाइज आपको स्टिक जो है वो मार्केट से परचेज करनी पड़ती। ये रही हमारी टीवी स्टिक, काफी अच्छी क्वालिटी की टीवी स्टिक है। ये देखिए टीवी स्टिक साथ में आपको बॉक्स में मिलती है। इसको आपको यहाँ एक इंटरफेस दिया गया है, यहाँ पर प्लग करना होगा। इस कवर के अंदर यहाँ पर आपको एक HDMI स्लॉट दिया गया है। सबसे पहले आप ये माइक्रो USB वाली जो केबल है ये इसके अंदर लगाएंगे, ताकि ये एक पावर सोर्स की तरह काम कर सके टीवी स्टिक के लिए, और उसके बाद आप टीवी स्टिक को यहाँ पर अंदर HDMI पोर्ट में लगा देंगे। उसके बाद इस कवर को आप इजीली बंद कर दें। अब यहाँ पर आपको जो बेसिक स्टेप्स है वो हम दिखा देते हैं कि कैसे करना है, और उसके बाद आप एंड्रॉयड टीवी प्लेटफॉर्म को इजीली यूज कर पाएंगे। अब हमको यहाँ से बस इस प्रोजेक्टर को ऑन करना है, प्रेस करके रखिएगा ताकि प्रोजेक्टर ऑन हो जाए। इस ग्रीन लाइट का मतलब है कि प्रोजेक्टर ऑन हो चुका है, और आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक लाइट दिखेगी और इसकी सीधी प्रोजेक्शन जो है वो आपको वॉल पे दिख जाएगी। अब एक बार लाइट बंद करते हैं और चेक करते हैं कि क्वालिटी कैसी है, और जो भी कॉन्फ़िगर करने के लिए स्टेप्स है वो सारे आपको यहाँ पर वॉल पे दिख जाएंगे। ये देखिए, ध्यान रखिएगा कि जब भी आप प्रोजेक्टर को यूज करें, जिस भी वॉल पे आप प्रोजेक्ट कर रहे हो वो एक तो वाइट कलर की हो, उस पर कुछ निशान ना हो, कोई स्पॉट्स ना हो। अगर स्पॉट्स होंगे तो आपकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो ठीक नहीं आएगी। अब मैं, ये रहा इसका रिमोट कंट्रोल, और टेबल पे हमने रख दिया। इसको हम कंफर्म करते हैं, लैंग्वेज को आप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद 2D कीस्टोन करेक्ट और डिस्टॉर्टेड इमेज कंफर्म करते हैं। इसको ऑटो आई प्रोटेक्शन को मैंने ऑफ किया हुआ, एम्बिएंट लाइट सेटर को ऑन करके रखते हैं। कैन एंटर द मोड बाय प्रेसिंग ब्लूटूथ की एंड पेयर योर डिवाइस फॉर बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस। इसका मतलब है कि अगर आपको इस प्रोजेक्टर के बिल्ट इन स्पीकर्स की आवाज अच्छी नहीं लगती है, तो आप इजीली कोई बाहर अपना जो आपका म्यूजिक सिस्टम है उससे भी आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर पाएंगे। वो हम बाद में करेंगे, पहले हम इसके जो बिल्ट इन स्पीकर है उनकी क्वालिटी चेक करेंगे। पेरेंटल टाइमर भी आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। When the picture is blurred, you can use the focus button on the remote control. तो basically remote control पे एक focus button दिया गया है, उसको use करके आप picture quality को correct कर सकते हैं। अब ये जो remote controller है वो इस projector के साथ connect होगा। Press and hold OK 5 second के लिए हमें इस projector remote control पे जो OK button है उसको press करके रखना होगा। ये देखिए, अब ये जो रिमोट कंट्रोल दिया गया है बॉक्स में वो प्रोजेक्टर के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब आपको सिंपल, जैसे आप एक एंड्रॉयड टीवी को कॉन्फ़िगर करते हैं, बस आपको उसको कॉन्फ़िगर करना है। तो आप देख सकते हैं कि क्वालिटी काफी अच्छी खासी है, जो भी इमेज यहाँ पे प्रोजेक्ट हो रही है 1080p रेजोल्यूशन की है, और अभी तक तो काफी अच्छी क्लैरिटी हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक बात तो आपको ख्याल रखना पड़ेगा, जब भी आप प्रोजेक्टर यूज करते हैं और जो भी वॉल आप यूज कर रहे हैं वो एकदम व्हाइट कलर की होनी चाहिए और क्लीन होनी चाहिए, और लाइट हमेशा ऑफ होनी चाहिए, ताकि आपको एक अच्छी क्वालिटी की इमेज मिले। तो अब आप इसको इजीली अपने जो आपका जीमेल अकाउंट है उससे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आपके पास कोई भी एंड्रॉयड फोन होगा, आपको सिंपली बोलना है ओके गूगल सेटअप माई डिवाइस, और आपका इजीली वो कनेक्ट हो जाएगा। अब ये देखिए, आप वाईफाई से कनेक्ट हो चुका है, और अब आपको दिखाएंगे कि इसका इंटरफेस कैसे, बेसिकली एक एंड्रॉयड टीवी की तरह ही रन करता है, और ऑलमोस्ट फिनिश्ड हो चुका है सेटअप, सक्सेस।
अब ये वाईफाई से भी कनेक्टेड है और मेरा जो जीमेल अकाउंट है उससे साइन इन हो चुका है। लोकेशन भी दे देते हैं, इसको नो करते हैं, कंटिन्यू कंटिन्यू, टर्न ऑन, चूज अ नेम फॉर योर, इसका एक नेम आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ BenQ प्रोजेक्टर, ताकि ध्यान रहे, क्योंकि यहाँ पर ना घर पे बहुत सारे डिवाइसेस हैं, तो अच्छा ये है कि इसका नाम मैं BenQ डाल देता हूँ, ताकि इजीली इसको मैं रिकॉग्नाइज कर सकूँ। BenQ, तो इसका नाम हमने दे दिया है। आगे बढ़ते हैं। Your QS01 is powered by Android TV। अब आप गूगल प्ले से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि Netflix, Amazon Prime, YouTube, Apple TV, ये सारी जो एप्लीकेशन हैं वो आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। और अब हमारा प्रोजेक्टर रेडी है कुछ भी वीडियोस को प्ले करने के लिए। तो बेसिकली एक तरीके से आपके पास एक पोर्टेबल टीवी है, आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं और कहीं पर भी जाकर आपको अगर मूवी देखनी है, वीडियो देखनी है, एक फैमिली पिकनिक आपने करी है, इजीली आप कहीं पर भी जाके आराम से टीवी का मजा ले सकते हैं एक पोर्टेबल प्रोजेक्टर की तरह। ये देखिए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक 65 इंचेस का टीवी हमने लगाया हुआ है, क्योंकि पिक्चर क्वालिटी आई थिंक काफी ज्यादा ठीक है। तो अभी हमने इसको अपनी सबसे बड़ी वॉल पे प्रोजेक्ट किया है, और लगभग मैं आपको बताऊं ना तो कम से कम 110-120 इंच की पिक्चर अभी हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। यानी कि अगर आप एक 75 इंच के टीवी से इसको कंपेयर करें ना, तो उससे भी लगभग 30-40% ज्यादा बड़ी पिक्चर क्वालिटी है। एक बार मैं लाइट जलाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इस वॉल का साइज कितना है, तो आपको आइडिया होगा कि कितनी बड़ी एक हमने पिक्चर क्रिएट की है। ऑलमोस्ट एक तरीके से आपका मूवी थिएटर की तरह आपको एक्सपीरियंस मिलेगा यहाँ पे। अब हम लाइट जलाते हैं और आपको वॉल का साइज दिखाते हैं। ये देखिए, ये एक कम से कम 15-16 फीट की वॉल है। मैं एक बार लाइट बंद करता हूं और ये देखिए, यहां पर आपको पूरा एक होम थिएटर का एक्सपीरियंस ये प्रोजेक्टर प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि अगर आप एक 70,000 का टीवी भी लेते हैं ना, तो वो आप ज्यादा से ज्यादा 65 इंच या 75 इंच का ले पाए। 75 इंच का तो आएगा ही नहीं 70,000 रुपए में। 70,000 रुपए में आपको एक एंट्री लेवल 65 इंच का टीवी देखने को मिलेगा, जिसकी पिक्चर क्वालिटी काफी नॉर्मल सी होगी, इतनी कोई खास नहीं होगी। और उस टीवी को आप एक जगह पे फिक्स करके रखेंगे, कहीं बाहर तो लेकर जा ही नहीं सकते। लेकिन इस प्रोजेक्टर को अगर आप खरीदते हैं ना, तो आपके पास एक पोर्टेबल सिनेमा हॉल है, एक पोर्टेबल होम थिएटर है आपके पास, इसको आप कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। और लगभग 100 इंच की वॉल के ऊपर एक 100 इंच का आप मूवी थिएटर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इस प्रोजेक्टर की ये खासियत है।